अबोहर भीम टांग हत्याकांड के सभी 26 आरोपियों को आज माननीय जज लक्ष्मण सिंह जी की अदालत में पेश किया गया, जिसमें मुख्य शराब कारोबारी शिवलाल डोडा और उनके भतीजे अमित डोडा भी शामिल थे। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता शिवलाल डोडा, अमित डोडा और सभी आरोपियों द्वारा किए इस घिनौने हत्याकांड की एमएलआर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई। अदालत में आज कार्यवाही के दौरान डॉक्टरों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट ने इन सभी आरोपियों को कटहरे में खड़ा कर दिया। इन 26 आरोपियों में से 2 आरोपियों की पहले जमानत हो चुकी है, लेकिन इस सारे केस में पर जो धाराएं लागू की गई हैं उससे उनके भी बचने की उम्मीद मुश्किल ही नजर आ रही है। आज 2 डॉक्टर एग्जामिन हुए हैं, एक मिस अमिता चौधरी अंत एक दूसरे डॉक्टर जजिस्टर सिंह सी है। जेडे अमिता चौधरी से वो एमएलआर रिगार्डिंग रिपोर्ट सी और मिस्टर जजिस्टर पोस्टमार्टम दे रिकॉर्डिंग रिपोर्ट्स आज वो एग्जामिन हो गए ने। आज 26 दे 26 दोषियों को पेश करके अमित लाल डोडा के वगैरह 26 दे 26 दोषी अज पेश किए थे और नैक्सट डेट जी 7-8 उन्होंने रखी है। डॉक्टर मैडम जज साहब ने गवाही लै रहे उन्होंने इंसाफ तो देखो पुलिस प्रशासन ने तो देखो साड़ी हर तरह की मदद की है, पर हुण सानू जज साहब तो इंसाफ चाहिए कि जिस तरह का इन्हें घिनौना कांड किया शिवलाल डोडे ने। एक तो इनू जेल के VIP ट्रीटमेंट मिलता पाया जी, असी जेल प्रशासन को पंजाब सरकार तो मंग करते भी ये शिवलाल डोडे की जेल फिरोजपुर चेंज की जाए, फाजिलका तो फिरोजपुर इनू किया जाए। और एक असी हाई कोर्ट च इन्हें यदि सैशन चो जमानत रिजैक्ट हो चुकी है और असी हाई कोर्ट के जज साहब को रिक्वेस्ट करते भी जिस तरह का इन्हें घिनौना कांड किया है, बुरी तरह भीम हत्याकांड भीम को बुरी तरह गुरजंट को जख्मी किया, भीम की हत्या की है, उस तरह इनू घट तो घट फांसी की सजा होनी चाहिए। फाजिलका से AZTV न्यूज के लिए कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट।